Hey guys, welcome back to Vigo. तो finally guys, Vigo के अंदर न्यू स्टोर आ चुका है। जैसे आप लोग रिडीम पे जाओगे, क्रॉपलैंड टोकन पे जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हो न्यू स्टोर आ चुका है, जहाँ से आपको बहुत से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे मेन चीज क्या है, आपको कस्टम रूम कार्ड भी मिलते हैं। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये सब कुछ लेने के लिए आपके पास मेनली यहाँ पे क्रॉपलैंड का टोकन भी होना चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो टोकन है ना, ये आपके पास होना चाहिए एंड बहुत सारे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक कस्टम रूम कार्ड लेने के लिए आपको 990 टोकन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे टोकन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग ये सब कुछ रिवॉर्ड्स एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे बैकपैक है, उसके बाद अभी बहुत लोड और वगैरह, उसके बाद डायमंड रोल कार्ड, उसके बाद आपको कस्टम रूम कार्ड मिलता है। मतलब बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग यहाँ से ले सकते हो एंड यहाँ पे अपडेट की वजह से चेंज भी हो सकते हैं। मतलब बहुत से अच्छे अच्छे रिवर्स भी आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको बताने वाले कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्रॉपलैंड का टोकन कलेक्ट कर सकते हैं, फिर कैसे अनलिमिटेड टोकन कलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कैसे आप रिवर्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं, सभी कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, अभी तक लाइक नहीं करो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं करो भी करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइस क्रॉपलैंड का जो टोकन का सेक्शन है, उसके आपको सबसे पहले स्टोर पे जाने, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे साइड में रिडीम पे जाने। सबसे पहले रिडीम पे जैसे जाओगे, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा क्रॉपलैंड टोकन करके, जैसे देख सकते हो। तो आप लोग इस पे क्लिक करना है। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग इस वाले स्टोर के अंदर आ जाओगे एंड यहाँ से आप लोग क्रॉपलैंड टोकन से यहाँ पे सब कुछ रिवर्स एक्सचेंज करके ले सकते हो। तो मेन बात यही आता है कि टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग ले सकते हो बताओ। वैसे अगर आप लोग फीडबैक के अंदर फ्री में डायमंड लेना चाहते हो या फिर बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर से देख लेना। जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे टोकन पे क्लिक करोगे, क्रॉपलैंड टोकन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है। तो क्रॉपलैंड का जो टोकन है ना, इसको आपको लेने के लिए क्रॉपलैंड का मैप्स खेलना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मैप्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको क्रॉपलैंड टोकन नहीं मिलेगा, तो क्रॉपलैंड का मैप आपको खेलना पड़ेगा, लेकिन चूज करके खेलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सा मैप खेलने से मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप लोग जो टोकन है उसके आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे चीजें वगैरह, आइटम वगैरह एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे तीन नंबर पे लिखा है कि यहाँ पे जो टोकन है ना, इससे आप लोग क्रॉपलैंड के अंदर भी चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल सा एक टोकन होने वाले जो कि आपके पास होना ही चाहिए। बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं एंड बहुत कुछ होगा इस वाले टोकन से। तो बात करते हैं कैसे मिलेगा, कौन से मोड आपको खेलना है एंड कौन सी मोड से आपको ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलेगा। तो अभी का टाइम पे आप लोग जैसे इस मैप के अंदर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे मैप मिलेगा जो कि क्रॉपलैंड का मैप है। लेकिन एक दो मैप आपको ऐसे भी मिलेगा जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्रॉपलैंड का जो टोकन होता है ना, उसका साइन यहाँ पे देख सकते हो, उसका इमेज यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोग इन जैसे मैप्स को खेलोगे, इन जैसे मोड्स को खेलोगे, तो आपको ज्यादा टोकन मिलेगा। क्रॉपलैंड का जो टोकन है ना, आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जो क्रॉपलैंड का नॉर्मली जो मोड्स वगैरह आते रहते हैं या फिर जो यहाँ पे भी आप लोग क्रॉपलैंड के मोड देख रहे हो, ऐसा मोड्स खेलते हो, तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो इन जैसे मोड है ना, इनसे आपको कम टोकन मिलेगा। तो आप लोग इन सारे मैप में भी खेल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग इन सारे मैप में खेलना, न्यू आते मजे भी खेल सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोग क्रॉपलैंड का मैप्स के अंदर जाओगे, क्रॉपलैंड का सेक्शन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे मैप्स मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पर क्रॉपलैंड टोकन का साइन है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे मैप वगैरह मिल जाएगा, मोड वगैरह मिलेगा, उनमें जाके आप लोग खेल सकते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा टोकन मिलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको खेल के आपको दिखा देता हूँ कितना टोकन मिलते हैं एंड कैसे मिलते हैं। तो जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका एंड जितनी भी यहाँ पे टीम वगैरह आना है आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको गेम प्ले करना है, मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ, टोकन वगैरह कलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो, मेरा मैच स्टार्ट हो चुका है एंड ऊपर में गाइस आप लोग एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉपलैंड टोकन यहाँ पे आ रहा है। मतलब आप लोग यहाँ पे जितना टोकन कलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली ऊपर आपका एड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किल वगैरह करके आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे गाइस हमारा मैच खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मुझे 6 टोकन मिल चुके, 6 टोकन मिले। यहाँ पे मैं हार गया था, फिर भी मुझे 6 टोकन मिले। तो अगर आप लोग बोया करते हो, अच्छे से बोया करते हो, तो आपको ज्यादा भी टोकन मिलेगा। तो मैं आपको दिखा दूं रिडीम पे जाके मेरे पास टोकन आया कि नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पे गाइस देख सकते हो 6 टोकन आ चुके हैं। तो ऐसे करके आप लोग क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉपलैंड का सेशन के अंदर भी जाते हो, यहाँ पे क्रॉपलैंड भी आपको जाने, इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे और भी बहुत से ऐसे मोड्स मिलेगा जिसके अंदर जाके आपको ज्यादा टोकन मिल सकते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, ये वाला मोड है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला मोड है। तो ऐसे आप लोग खेल सकते, और इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे मोड वगैरह आने वाले जिसके अंदर आप लोग ऐसे क्रॉपलैंड का टोकन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो एंड इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना आप लोग खेलोगे उतना ज्यादा आपके पास टोकन आता जाएगा। तो जितना खेलना चाहते हो खेल सकते हो, आपके पास टोकन आता जाएगा एंड आप लोग यहाँ पे टोकन वगैरह से चीजें एक्सचेंज करके ले सकते हो। अगर आप लोग नॉर्मल ऐसे जो मोड्स आते हैं ये सब भी खेलोगे, तब भी आपको ऐसे भी टोकन मिलेगा, लेकिन आपको कम टोकन मिलेगा। मतलब कंपेयर टू ऐसे जो मोड्स होते हैं ना, इसके अंदर जितना ज्यादा टोकन मिलेगा उससे आपको कम टोकन मिलेगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लोग खेलना चाहते हो, मजे से खेलना चाहते हो, अलग अलग मोड खेलना चाहते हो, तो भी आप लोग खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा कम टोकन मिलेगा। एंड अगर आप लोग ऐसे मोड्स खेलते हो तो आपको ज्यादा टोकन मिलेगा। देख लेना, अगर आपको ज्यादा टोकन चाहिए टोकन के लिए खेलते हो, तो आप लोग इन सब मोड को खेल लेना, आपके पास ज्यादा टोकन आ जाएगा। कुछ यही तरह से टोकन कलेक्ट करने का तरीका, जो भी तरीका था मैंने आपको बता दिया एंड क्या क्या रिवॉर्ड
से आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज के लिए सीधे बस आपके पास टोकन आ जाएगा, तो बस यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद एक्सचेंज पे क्लिक करना। जैसे आप लोग एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, मतलब नॉर्मली जैसे आप लोग चीज़ें वगैरह एक्सचेंज करते हो लेते हो ना, वैसे करके आप लोग ले सकते हो। तो कुछ इतना तरीका आई होप आपको समझ में आ चुके कैसे आप लोग टोकन वगैरह कलेक्ट कर सकते हो एंड कैसे यूज कर सकते हो। तो बस गाइस वीडियो इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं करो भी करना, फिर एक बेल आइकन एक उसको दबा कर सेट करना। तो वो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।